वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2024 से 2025 का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर कोरिया जिले की प्रमुख राजनीति पार्टी से कांग्रेस, भाजपा, युवा, व्यापारी वर्गों से चर्चा की गई तो इस बजट को लेकर इन लोगों से मिला जुला असर देखने को मिला। जहां एक तरफ भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरी ने इसे अच्छा और देश के आम नागरिकों का बजट बताया, वहीं कांग्रेस के पीसीबी सदस्य योगेश शुक्ला ने इस बजट को संतुष्टिकरण वाला बजट बताया। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग से आने वाले शैलेंद्र श्रीवास्तव से जब बजट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बजट के बारे में कहा कि सारी सिफारिश से लागू हो जाती है तो व्यापारियों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। इसी प्रकार जिले के युवा वर्ग से आने वाले शारदा गुप्ता से इस बजट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बजट को अच्छा और संतुलित बजट बताया। देखिए, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था और निर्मला सीतारमण जी ने इसे पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छा बजट लाया। इस बजट में हम देखेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस बजट में लोक कल्याणकारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए। जो बजट है ये हम जो 2047 में एक नए भारत को देखना चाह रहे हैं, जो मोदी सरकार की योजना है, ये उसी का एक प्रतिरूप है। और जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे मध्यम वर्ग के लोग थे उनके भी बजट में 1 लाख रुपये का उन्हें छूट दिया गया है। पहले 2 लाख रुपये था, अभी 3 लाख किया गया नहीं है। ये संतुष्टिकरण वाला बजट है। अभी जो आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जो इनके सहयोगी दल हैं, जिनके बैसाखी के कंधे पर इनकी सरकार बनी है, उन राज्यों को खुश करने का बजट है। बाकी हिंदुस्तान की घोर उपेक्षा की गई है। अब आने वाले समय में विधानसभा में जनता इनको सबक सिखाएगी। देखिए, जहाँ तक व्यापारियों के हित का सवाल है या व्यापारियों से संबंधित बजट की सिफारिशों के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार, कुछ न कुछ सिफारिशें तो लागू ज़रूर करती हैं। हमारी पीड़ा ये है कि सिफारिश लागू होने के बाद, मतलब जितना उत्साह वो लागू करने में दिखाते हैं उतना उत्साह क्रियान्वयन में नहीं होता। तो सरकार जो भी सिफारिशें, अभी मैंने पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जैसे आपसे चर्चा के बाद जो भी हमारे आपस की बातचीत हुई है, तो अगर वो सारी सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो निश्चित है व्यापारियों के हित में कुछ ना कुछ बात जरूर आएगी। मोदी सरकार 3.0 का यह बजट देश के विकास को और गति देने वाला है। जिस प्रकार से यह बजट की मुख्य रूप से परिप्रेक्ष्य में देखा गया है तो महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रमुख बिंदु तैयार किए गए हैं। एमएसएमई के लिए जहां सरकार ने कोलेटरल गारंटी की घोषणा की है, वहीं पर युवाओं के लिए शिक्षा लोन में 3% देने की का वादा भी इसी सरकार ने किया है। इसके अलावा एमएसएमई को बड़ी राहत देते हुए बड़े पैकेज की घोषणा इस सरकार ने की है।